आए थे अन्य कारणों से भी, तो पहले जो बचा हुआ था उसको तो कर लिए, और बाकी जो 12 जगह है सब जगह जाएंगे हम, और सब जगह जा करके हमने कह दिया है कि भाई कुछ स्थल पर दिखला दीजिए, और दूसरी बात है समीक्षा बैठक करेंगे तो समीक्षा बैठक में आज पूरा डिटेल से बात हो गई, और हर तरह से एक जो हमारी इच्छा होती है कि भाई हम लोग कुछ बनाते हैं तो उसका मेंटेनेंस जरूर होना चाहिए, और कहीं कोई चीज़ बचा हुआ है तो उसको पूरा करना चाहिए, कहीं पर कोई कमी है तो पूरा डिटेल इन लोगों ने दिया है, और डिटेल के बाद सभी जो MLA MP जो भी अपना कहना था वो भी कहे हैं, लेकिन हम लोगों ने भी सारी बात कह दिया है कि एक एक तरह से सब चीज़ को करिए, इसी मकसद से आ रहे हैं, और जानते ही हम यहाँ कितना बार आए हैं, हम तो इतना आते रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, तो जरा अच्छा होगा, कुछ जगह पर तो विकसित है तो देख करके अच्छा लग रहा है, लेकिन और जो भी कम है खास करके कभी फ्लड का शिकार नहीं होना चाहिए, और किसी तरह से नहीं होना चाहिए, इसके लिए तो हम लोग लगे थे तो ऊपर हो भी नहीं करता है नेपाल वाला चक्कर है क्या, लेकिन बाकी हम लोगों को अपनी तरफ से जितना सबको बचा सकते हैं उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, कर रहे हैं। 25 को आपने बुलाई है पूर्णिया में ही समाधान यात्रा के बाद महागठबंधन, तो पार्टियों का है, हम लोग जो जिस एक साथ में है एक पार्टी का, 7 पार्टियों का उनका है, तो अलग चीज, हम तो अभी जो भी देख रहे हैं ना वो तो विकास का काम, लोगों की कोई समस्या उसका काम, अब वो तो पॉलिटिकल मीटिंग है उसमें क्या। सर प्रधानमंत्री ने कहा है सर कि पिछले 9 सालों में विपक्ष ने सिर्फ आलोचना करने के जगह सिर्फ आरोप लगाए हैं, आलोचना में गवा दिए, आरोप लगाते लगाते, प्रधानमंत्री की इस बात पर कैसे कहेंगे कि पूरा विपक्ष उन पर पड़ा हुआ है, ED के डर से तमाम लोग एक जगह हो रहे हैं। पता नहीं तो उन्हीं से पूछिए कि वो क्या लगे हुए थे, काम हुआ उसके बारे में कोई चर्चा कर रहे हैं, पूर्णिया में एयरपोर्ट का मुद्दा सर, कितना बढ़िया बढ़िया काम हुआ है, पहले अटल जी की सरकार में भी जो काम हुआ और जो कुछ भी था तो उसकी भी कोई चर्चा करते हैं, किसी तरह की बात होती है, तो ये सब छोड़िए ना, हमको क्या लेना देना है इन लोगों को, जो भी आता है, लेकिन कई राज्यों ने बहुत काम किया है सर, मंत्री हम लोगों ने कितना काम करवाया है, और फिर जो यहाँ काम किया है जो दूसरे जगह उसकी प्रशंसा हुई है, लेकिन आज जो काम नहीं किया जाता है खाली उसकी चर्चा होती है, तो हम आप लोगों को क्या कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं बात कर रहे हैं, हम जो काम करते हैं आप ही को कह रहे हैं, आप ही जो बोले हम सुन लिए, हम ये कह रहे हैं कि हम लोग जो काम करते रहते हैं तो उसके बारे में तो कहीं कोई चर्चा वर्चा रहती नहीं है, लेकिन सवेरे हम अपना देखने लगते हैं ना तो उसी में देखते हैं जो अंड बंड बोलता है हम लोगों के खिलाफ वही छपा रहता है, अरे कोई मतलब है जी, किसी को हम बार बार इच्छा प्रकट किया शामिल कर लिए, आप फिर बोल रहा है जो मर्जी हो जाए, वो सब उसकी वो चिंता ही नहीं है, इसलिए हम लोगों की पार्टी में इसको लेकर के जरा भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपना बोल रहा है, लोगों को कहीं से और अलाइनमेंट हो चुका होगा तो छोड़िए ना, उस पर कोई बात नहीं, हम विपक्ष को एकजुट करने के लिए सर कब निकल रहे हैं। नहीं हम पहले अपना यहाँ वाला काम कर लें, और फिर अपना हाउस है वो सब कर लेंगे, उसके बाद इस बीच में कुछ कुछ खबर आ रही है तो उसके बाद फिर करेंगे। एयरपोर्ट की बात की जा रही कब, एयरपोर्ट वाला तो हमको इतना दुख है, बोलिए आप लोगों को सबको एहसास होगा जो यहाँ के रहने वाले हैं, पत्रकार से लेकर के सबको पता है, सबसे पहले इसको बनवाना था और वो तैयार भी थे, और बोलिए ना 2017 में कितनी बार मीटिंग हुई है, 2 बार केंद्र सरकार के लोग आकर के मीटिंग किए हैं, हम बाहर दूसरी तरफ थे तब भी आए, और फिर इन लोगों के साथ आए तब भी आए, मीटिंग करके एक एक चीज तय करके और वहाँ पर के बारे में फिर उसका रास्ता बनाने के लिए भी अलग से हम लोगों ने कर, अब काहे इतना देर किया है, तो हमने तो अंत में इनको कहा कि जाकर के वहाँ पर बात भी करिए सर, दरभंगा बन गया लेकिन पूर्णिया नहीं बना, बहुत हमको देखिए इतनी तकलीफ है, दरभंगा बन गया लेकिन पूर्णिया में दरभंगा में भी, दरभंगा में बन गया लेकिन हम जितना बात कहे हैं वो सब तो हम सबको बता ही दिए, जमीन अधिग्रहण बोला इतना ज्यादा हम बता दिए हैं कि इसकी सुरक्षा के लिए जो करना है हम करने को तैयार, हम सारा सुझाव दे दिए, वो तो पहले बन गया,
लेकिन सबसे पहले तो यहाँ बन जाना था, अब यहाँ शुरू ही नहीं किया तो हमको बहुत तकलीफ होती है। देखिए मुझको आश्चर्य लगता है कि जो बात पहले से तय है यहाँ क्यों नहीं बन रहा, यहाँ के लोगों को कहाँ बाहर जाना पड़ता है, और जब एक बार यहाँ बन जाएगा तो कितनी सुविधा होगी सब, और कितना अच्छा है जगह है, और तो सबको सुविधा होगी। हम तो लगे हुए आज भी डिस्कस किए, आज भी इसके लिए डिस्कस किए, हम तो कह रहे हैं कि भाई उस सबको मान लीजिए हम लोग कहे कि साइड वाला ठीक है, आपको दिक्कत नहीं हो, वो जो कहे हम लोग तैयार है, कमी कहां रहेगी, जहां पर भी कहे वहीं पर हम करवा देने को तैयार है, लेकिन कोई बात ही नहीं है। हाउस में भी लोग बोल रहा है तो भी उसका जवाब नहीं, हो क्या क्या है? अब हम और कुछ नहीं कहेंगे, अच्छा नहीं लगता है हमको, लेकिन ठीक आश्चर्य लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है कि क्यों हो रहा है, बहुत दुख है। अगर सपोज करिए वो नहीं रहता है तो नेशनल लेवल का चीज है ना भाई, कोई स्टेट लेवल का तो चीज नहीं है, नेशनल लेवल का चीज है। जब मुख्यमंत्री जी भेजे तो उन्होंने कहा कि हाईवे तक जोड़ दीजिए आप लोग बिहार सरकार, हम लोग काम शुरू कर देंगे, अभी 2-3-4 महीने पहले की बात है, वहां जाकर के हम लोगों ने बिहार सरकार के तरफ से कमिटमेंट दिया कि हम हाईवे तक कनेक्टिविटी जोड़ देंगे, ये तो बात हुई जाकर के सिविल एविएशन में किया जा रहा है, जो कह रहे हैं वो करने को, लेकिन शुरू तो कर देते भाई, लैंडिंग शुरू हो जाता लोगों को कितनी सुविधा होती है, यहाँ अगल बगल के लोगों को भी कहीं जाना है, दिल्ली जाना है या और कई जगहों का होता तो सबको सुविधा ना होती जी, बहुत अच्छा होता सब। सर एक अधिकारी है अपने वरिष्ठ अधिकारी पे मिसबिहेव का आरोप लगाए हैं, विकास बाबू ने अपने डीजी पे महत्वपूर्ण आरोप गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने मिसबिहेव किया उनके साथ, कौन विवेक विकास बाबू ने, अरे दो तरह के फालतू बात, वो सब कोई चीज जो बोलता है और अब ये लोग करेगा, अभी हम नहीं कुछ बोलना हमारे लिए उचित है, हम सबको कह देते हैं कोई कुछ बोलता है तो पूरी जांच करा लीजिए, देख लीजिए क्या मामला है, लेकिन आप जानते हैं एक बात आप अच्छी तरह जान लीजिए, कोई भी नौकरी करता है ऑफिसर है ये उसका काम ट्वीट करना नहीं है, ये सबसे गंदी चीज है, उसको अगर कोई समस्या है तो अपने डिपार्टमेंट को या सीनियर जगहों पर आकर के अपनी समस्या बतानी चाहिए, यही ना है, निजी तौर पर बतानी चाहिए, उसको किसी भी चीज को सार्वजनिक रूप से नहीं घोषित करना चाहिए, ये है कानून, आप जरा अच्छी तरह जान लीजिए, आपके ऊपर कोई समस्या है तो सही जगह पर जा करके अपना प्रॉब्लम बता दीजिए, तुरंत उस पर देखा जाता है, लेकिन अभी तो विचित्र बात है, कोई ट्वीट कर देगा, कोई कुछ लिख देगा, कुछ कर देगा, तो ये सब ना ज्यादा चर्चा होती है, कोई मतलब है? तो खैर इसके बावजूद हमने कहा है कि कोई भी बात है, हमने कह दिया अधिकारियों को कि सब चीज को देख लीजिए और देखने के बाद क्या है तब हमको बताइएगा, ठीक है, हो गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।